नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा सिम कैश के बारे में। बहुत से लोग पूछा था कि सिम कैश से कुछ अपडेटेड वीडियो बनाइए, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो ये रहा सिम कैश का इंटरफेस। ठीक है, नया अपडेट आया है, आप सबको पता होगा जो भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सिम कैश का, अगर आप नए हैं चैनल पे तो पता, तो सिम कैश एक ऐसा चीज़ है कि आपके मोबाइल से ये खुद अपने आप SMS भेजेगा। डेली 100 SMS का कोटा है, तो जितना हो सके ये भेजेगा, और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वो वेरी करता है, वो आप अप डाउन कर सकते हैं। पर SMS आपको कितना पैसे, जितना कम होगा उतना ज़्यादा SMS जाएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना कम SMS जाएगा। अब मेन दिक्कत जो होता है सिम कैश को लेके, अब मैं आपके साथ अपने विदड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि विदड्रॉ कैसे करता है। तो मेन जो दिक्कत है सिम कैश में वो है कि रेट को लेके दिक्कत होता है कि भाई रेट क्या करे, रेट कैसे रखे। तो रेट डिपेंड करता है आपका कंप्लीटली जो मोबाइल ऑपरेटर है उसके ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कि जियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर है, तो जियो का रेट देखिए सबसे कम है, 0.0005। और जहाँ पे वोडाफोन का मतलब सब्सक्राइबर उससे थोड़ा कम है, मतलब जियो से कम है, तो उसमें ज़्यादा मतलब ये है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, सब्सक्राइबर जिसमें जितना ज़्यादा है उतना कम उसका रेट है। जैसे देखिए वोडाफोन का भी रेट 0.0012 है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे आप अगर BSNL इस्तेमाल करेंगे तो BSNL का भी रेट अच्छा है, मतलब जो सब्सक्राइबर जिसमें कम है ना, तो उसमें भीड़ बहुत कम है, भीड़ कम रहता है। तो भीड़ कम रहता है तो मतलब ये कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। मतलब मानिए कि आपके एरिया में कोई कंपनी ने बोला कि भाई मुझे डेली इस एरिया से 2000 SMS जाना चाहिए। ठीक है, अब आपके एरिया में मानिए 100 बंदा है, 100 बंदे में से माने 20 बंदा काम करता है, उसको मतलब वो काम पे लगा कि भाई 2000 SMS हमको डेली 2000 SMS भेजना है 20 बंदा मिलकर। तो क्या होगा, 20 बंदा तो भेज देगा, लेकिन रेट क्या है, रेट मतलब उसके हिसाब से ज़्यादा मैसेज का क्राइटेरिया ज़्यादा होगा कि हिसाब से मतलब आदमी कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए रेट अपने आप बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही 20 की जगह 50 60 बंदा आ जाएगा काम करने में, तो क्या हो गया, डिमांड वही है 2000। ठीक है, लेकिन आदमी बढ़ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये भी सेम ऐसे ही काम करता है, ये हनीगेन जो भी है सेम इसी मेथड में काम करता है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा देख के रखिए कि भाई कैसे क्या होता है। अच्छा चलिए, तो अभी हम पे आउट करके दिखाते हैं। इसमें मैं रिपल अकाउंट में ही लूँगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर डॉज कॉइन में लेंगे तो 8 यूरो का आपको मिलेगा, और सर्विस फ्री है। BTC में लेंगे तो 2 यूरो सर्विस चार्ज कटेगा, मतलब XRP और डॉज कॉइन में आपको कुछ नहीं कटेगा। तो मैं ले लेता हूँ अपना WazirX, खोल लेता हूँ। मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हो। सो डिपॉजिट में जाइए, सो कॉपी, फिर से कॉपी, टैग को पेस्ट करते हैं, कॉपी टैग पेस्ट, अमाउंट मैक्सिमम कंटिन्यू, अपना नाम लिख देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ईमेल आया होगा, ये ईमेल आ गया। इसमें बहुत से ध्यान रखना पड़ता है, मेरा 40 यूरो एक बार नुकसान हो गया था यहाँ पे। अच्छा
चेक कर लेता हूँ कि जो भी एड्रेस वगैरह डाला है सब सही है। 6 7 ठीक है, इसमें कंफर्म कर देता हूँ। विदड्रॉ सक्सेसफुली, योर विदड्रॉ हैज़ बीन कंफर्म्ड। तो अभी सिम कैश में जाता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मतलब इसको कंफर्म करने के थोड़ी देर बाद में इसको कंफर्म कर लेने से कर लेने के थोड़ी देर बाद ये अपडेट हो जाता है। मैं चेक कर लेता हूँ, क्या अभी तक नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये अपडेटेड हो जाता है और पैसा आपके जो भी वॉलेट पे है सीधा मतलब माने मेरा यहाँ पे है। तो सीधा इस अकाउंट में मेरा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इतना सही है, ऐसे करना है। और रेट का ध्यान रखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप रेट को थोड़ा बड़ा कमा कर देखिए। जैसे मानिए मेरा अभी वीडियो बनाते बनाते 6 मिनट हुआ है, तो SMS चला गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार 0.0006 कर सकता हूँ, 5 की जगह 6 कर दिया, तो थोड़ा कम SMS कटेगा लेकिन कटेगा। अब जब मतलब पूरा दिन रख दिया मैं 6 पे, जब मैंने शाम हो गया 6 7 बज गया, तो मैंने तब तक 60 60 SMS गया होगा। तो तब क्या करूँगा, 7 बजे 8 बजे वही रेट को एकदम कम करके 5 कर दूंगा, करके सेट कर दूंगा, तो SMS ज़्यादा करके कटेगा। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना है भाई कैसे क्या होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।